पेट्रोल डीजल गैस व खाद्य पदार्थ में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के खिलाफ जिला मुख्यालय में राजद के नेता व कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं लगातार पेट्रोल डीजल गैस के दामों में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि को लेकर सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर शहर के पोस्ट ऑफिस से समाहरणालय तक पैदल मार्च करते हुए आए। राजद जिला अध्यक्ष नंद किशोर यादव के नेतृत्व में विरोध रैली निकाली गई। इस मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया गया। मौके पर प्रतापपुर के सूरज देव यादव, जितेंद्र सार्थक, प्रदीप यादव सहित अन्य कई सैकड़ों राजद कार्यकर्ता शामिल थे। महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किए थे, क्या मामला? देखिए, आज देश में जो भी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका सगा कोई ऐसा नहीं होगा जिनको नहीं छगा। और आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से पूरे झारखंड में प्रत्येक जिला में महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोग, या आप लोग भी मीडिया के भाई हैं, आप लोग भी बढ़िया से जान रहे हैं, देश में आज जो स्थिति उत्पन्न हुआ है वो आप लोग भी बखूबी जान रहे हैं, लोग भी जान रहे हैं। आज महंगाई के मारा हुआ कोई नहीं बचा है, गरीब से लेकर के हमारे मजदूर हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे किसान हैं, सभी मारा जा रहा है। आज चार महीना से आप लोग भी माध्यम से हम लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि किसान लोग लगातार धरना, अपना अनाज का मूल्य वृद्धि के लिए, अपना अस्थाई बाजार के लिए उन लोग जो धरना दिए हुए हैं, कोई किसी तरह का कोई सुन नहीं रहा है। ये मनमानी सरकार है और उसी का विरोध में हम लोग आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज हर एक प्रत्येक जिला में है और अगले 6 अगस्त को रांची मोरहाबादी मैदान में पूरे झारखंड के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता जुटेंगे और उसके माध्यम से केंद्र सरकार को बताया जाएगा कि अगर आप केंद्र में जितना तरह का वस्तु का मूल्य वृद्धि किए हैं, अगर आप काम नहीं करते हैं तो दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन करने का काम हम लोग करेंगे। आपके भी पार्टी के मंत्री इस राज्य सरकार में है, तो आप लोग महंगाई के लिए क्या कह रहे हैं? हमारे राज्य में मेरे पार्टी का एक विधायक है चतरा से, जो अभी श्रम मंत्री और कौशल मंत्री हैं, और हम लोग केंद्र के विरोध में जो भी महंगाई हुआ है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, खाद्य पदार्थ है, ये सब केंद्र का मूल्य बढ़ाया गया है, इसलिए हम लोग केंद्र के चेतावनी दे रहे हैं कि ये मूल्य को वापस लिया जाए और यहाँ गरीबों को निजात दिलाया जाए, किसानों को निजात मिले, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।